नारायण 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 नारायण। सच्चाई ये है कि संसार न था, न है और न होगा। केवल अज्ञानता के कारण इसका दर्शन हो रहा है। दर्शन अनुभव होने के कारण यह हमें दुख भी दे रहा है, अशांति भी दे रहा है, पीड़ा भी दे रहा है, मौत भी दे रहा है, वियोग भी दे रहा है, आदि आदि। अब ये सारी श्रुतियां कहती तो यही हैं कि संसार की सत्ता नहीं है, किंतु जो संसार हमें भास रहा है, जो संसार हमें दिख रहा है, जो संसार हमारे अनुभव में आ रहा है, उसकी सत्ता न होने के बाद वह दुख तो दे ही रहा है। अब इस दुख से निवृत्ति कैसे हो, दुख से छुटकारा कैसे हो, ये विचारने लायक विषय है। तो श्रुति भगवती ने कहा इसको मिटाने का एक ही कारण है, वह कारण है इसके मिथ्यात्व का चिंतन। अब इसके जो मिथ्यात्व का चिंतन है वह कितने समय किया जाए, तो श्रुति कहती है जन्मांतर सताभ्यस्ता मिथ्या संसार वासना। अब ये जो संसार की वासना है ये है तो मिथ्या, किंतु जाने कितने सालों से, जन्म जन्मांतरों से, हजारों वर्षों से हम लोग इस संसार वासना का मिथ्या ही चिंतन कर रहे हैं। अब मिथ्या चिंतन करने के लिए एक बार मिथ्या कह देने से तो मिथ्या भाषित नहीं होने लगेगा, या मिथ्या समझ लेने से भी मिथ्या भाषित नहीं होगा। इसका मिथ्या अनुभव करने के लिए व्यक्ति को दीर्घ काल तक सा चिराभ्यास योगे न बिना न क्षीयते क्वचित। सामान्य वह संसार वासना जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो है ही नहीं और हमें दुख दे रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको काटने के लिए चिरकाल तक अभ्यास योग करना पड़ेगा। जब भी हमारे विचारों में, जब भी हमारे व्यवहार में या आकर के मुझे कष्ट देने लगे, वासना दुख देने लगे, अभाव उत्पन्न करने लगे, पीड़ा देने लगे, अपमान महसूस होने लगे, तो तुरंत उस मिथ्या वासना को काटकर तुरंत एक नई वासना बनानी है और चिरकाल तक नई वासना बनानी है। क्या वासना बनानी है कि संसार नहीं है, स्वप्न है, स्वप्न के समान इसकी सत्ता है और हम जाग करके इसको देख रहे हैं। होता यह है कि स्वप्न देखते समय व्यक्ति जगा होता नहीं है और जगा न होने के कारण उसकी भ्रांति नहीं होगी, भ्रांति नहीं मिटती, दुख नहीं मिटता है। तो अपने को जगा हुआ समझकर जाग कर उस स्वप्न को देखता हुआ समझें, स्वप्न काल में अपने को जगा दें, ऐसे ही अनुभव काल में अपने को जगाएं। जब इस संसार का अनुभव हो रहा है, यहाँ के लोगों का व्यवहार दुख दे रहा है, यहाँ की घटनाएं दुख दे रही हैं, यहाँ जो जो भी वातावरण है हमको कष्ट दे रहा है, तुरंत उसी समय होना चाहिए, इसकी सत्ता नहीं है। और जब तक आप दीर्घ काल तक अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास में श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए, श्रुति पर श्रद्धा, परमात्मा पर विश्वास, ये श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर दीर्घ काल तक जब हम यह बार बार चिंतन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो यह निश्चित रूप से संसार की जो मिथ्या वासना है वह कट जाएगी। और जब कट जाएगी तो दुख नाम की चीज दुनिया में है नहीं, आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप सच्चित आनंद से परिपूर्ण हो, यह बोध आपके अनुभव में आएगा, फिर ये बोध आपके व्यवहार में आएगा,
आपका जीवन रस से भर जाएगा। आइए श्रुति की आज्ञा मान करके बार बार हम यह अभ्यास करें कि संसार की सत्ता नहीं है, या स्वप्न के अतिरिक्त इसका और कोई महत्व नहीं है। ये चिंतन से निश्चित रूप से हमारा जीवन मधुमेह बनेगा, हमारे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन मधुमेह बनेगा। हम यह सुवास सब जगह फैलाएंगे केवल श्रुति की आज्ञा मान करके कर्तव्य परायण होकर कार्य करते चलें। नारायण 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 नारायण।